जिले को, यहाँ पे जलेबी खा रहे। सामने है गांव। लगभग 15 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग घर पहुंचे हैं। अभी हम लोगों ने पीछे गाड़ी पार कर दी है और अब देखिए पीछे ये वाला रास्ता हमारे गांव को जाता है। जैसे एक लगनंदा और एक भागीरथी है और यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है ये गंगा नदी है। ये देखिए सामने ये केदारनाथ का हाईवे गया जहाँ पे वो गाड़ी जा रही है। से भी ये 11 पड़े इन दोनों, ये हमारा ना सबसे पहला घर था ये वाला। ठीक 5:30 बजे हम लोग घर से निकल चुके हैं हरिद्वार से और देखते हैं कि हम लोग रुद्रप्रयाग कितने बजे पहुंचते हैं, क्योंकि आजकल ऑल वेदर रोड बन चुका है तो काफ़ी आसानी होगी जाने में। सो गाइस, ये दोस्त सौरभ और ये दोस्त अनु, हम ये दोनों आज पहली बार जा रहे हैं रुद्रप्रयाग और रुद्र पहाड़ों के गाँव में ये पहली बार जा रहे। तो हाउ इज द जोश सर? पहाड़ी के गाँव में पहली बार जा रहे हैं। पहाड़ों के गांव में, फिर पहाड़ी के गांव में पहली बार जा रहे हैं। हाँ, कैसा है भाई एक्साइटमेंट? कैसा? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इन्हें एक नई जिंदगी का अनुभव दूंगा मैं। तो भाई सौरभ भाई, तूने मसूरी चलाई होगी पहाड़ों पे गाड़ी, है ना? और तो कहीं चलाया ऐसा है, तो ये आज तेरी सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइविंग होगी पहाड़ों पे, है ना? अभी तक की सबसे। तो कैसा रहा अनुभव? अभी तक बढ़िया है, मुझे यहाँ पे चलाते हुए ज्यादा डर नहीं लग रहा, बस थोड़ा पत्थर का डर है, कोई सा ऊपर हमारी छत पे आके ना बैठ जाए। अभी हम लोग देवप्रयाग में पहुँच चुके हैं एंड टाइम हो रहा है 7:30। कितने बजे निकले थे भाई हम घर से? 5:30 बजे, 7:30, 7:30, 7 घंटे लगे, 3 घंटे लगे हुए यहाँ तक आने में। ऑल वेदर रोड, कितनी झकास बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है रोड में। और ये अनु, ये सौरभ भाई, और अभी हम लोग सब निकर में ही आए हैं घर से। अब आगे जब गांव पहुँचने वाले होंगे तब जाके पैंट पहनेंगे। आज मैं आपको अब अलकनंदा भागीरथी का संगम दिखाता हूँ जहाँ से कि गंगा नदी स्टार्ट होती है। एंड गाइज, ये देखिए आप, ये यहाँ से जो दो नदियाँ आ रही है ना, एक इधर से, एक इधर से, एक अलकनंदा और एक भागीरथी है, और यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है ये गंगा नदी है, पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी, और ये यहीं से स्टार्ट होती है, इसका बिगिनिंग पॉइंट यही है। वैसे निकलता था पूरा हिमालय से है, लेकिन नदियों के नाम अलग अलग है, फिर यहाँ से इसका प्रॉपर नाम गंगा नदी हो जाता है। ये देखिए हरिद्वार से 93 किलोमीटर, तो हम लोग हरिद्वार से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि 93 ये बस स्टॉप का है और उसके बाद जो बस स्टॉप से जो घर है तो 6-7 किलोमीटर वो भी होगा, तो लगभग लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये देवप्रयाग है। और ये देखिए एक बार फिर से देवप्रयाग। तो गाइज, अभी हम लोग देवप्रयाग से निकल चुके हैं, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि वो बाबा जी मिल गए थे, फिर उनका इंटरव्यू किया, फिर हमने फोटोशूट वगैरह किया, और अब हम देवप्रयाग में आगे जाके थोड़ा सा रुकेंगे, कहीं पे नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर हम लोग श्रीनगर में रुकेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, कुछ खा लेंगे। ये देवप्रयाग है, ये कौन सी नदी है भैया? ये वाली भागीरथी है। ये भागीरथी है, उधर वाली अलकनंदा है, फिर गंगा नदी। ठीक है, यहाँ अंडा मीट कुछ नहीं बनता भैया? फिर 5 किलोमीटर के एरिया में नहीं बनता, उसके बाद जो देवप्रयाग है उसके 5 किलोमीटर के आसपास में नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रयाग है इसलिए। देखिए हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, और पीछे देखिए भागीरथी नदी, और ये यहाँ पे मैगी और पराठा छोले हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, देवप्रयाग में भी हम लोग है। ये दो चाय भी हमारी आ चुकी है, ये हमारा अन्न अच्छा है, चाय नहीं पीता। अभी हम लोग देवप्रयाग से निकल चुके हैं, पूरा 1.5 घंटा यहाँ पे रुके, ठीक 7:30 बजे यहाँ पे पहुँचे थे और अभी 9 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। पूरा 1.5 घंटा यहाँ पे लग गया, बहुत ज़्यादा। अब तक तुम श्रीनगर पहुँच चुके होते भाई, फिलहाल उन्होंने नाश्ता कर दिया है। और कोई नहीं, आज का दिन घूमने का ही है यार। चल भाई सौरभ कह रहा भाई, कोई बात नहीं, आज का दिन पर्पस से ही निकल रहे हम, ये डेस्टिनेशन हमारी कोई नहीं है, है। और यहाँ पे अभी ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, ये रोड देखिए आप कितनी नैरो है और बिल्कुल कच्ची रोड है, नीचे देखिए बिल्कुल एकदम भागीरथी नदी है और ऊपर देखिए कितनी संकरी रोड है। अभी हम लोग श्रीनगर से तकरीबन 5-10 किलोमीटर आगे रुके हैं, देखिए इन लोगों को श्रीनगर के डैम देखना था जो कि ये आपके सामने ये रहा। सो गाइज, रुद्रप्रयाग श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, धारी देवी का मंदिर,
अभी हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। भाई तू कितना सोया यार गाड़ी, हम लोग घूमने आ रखे हम लोग घूमने आ रखे बंदा सो रहा पीछे, बताओ अभी मंदिर कैसा लग रहा तुझे? मंदिर बढ़िया है ना, डूबता नहीं। ये बजा ले, बजा तो इसके ऊपर। गाइस अभी हम लोग रोड से नीचे आ चुके हैं और ये देखिए नीचे धारी देवी का मंदिर, हम लोग मंदिर में जाएंगे अभी और आसपास का व्यू देखिए, पहाड़ देखिए आप कितने शानदार पहाड़ है। अनु भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, मजा आ गया। मसूरी अच्छा है, पहाड़ अच्छे है, ये अच्छा है, गढ़वाल अच्छा है, गढ़वाल अच्छा है ना, बस सब ठीक है। गजब बेइज्जती है। अनु इंस्टाग्राम पे लाइव है, दिखा लाइव दिखा। हाँ भाई ये लो लाइव देखो। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, तू ही दिख रहा बाप। लाइव में सवाल मन्नू है, मन्नू है देख। अच्छा मन्नू है क्या? बोल ले मन्नू को। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरी लाइव में लोग जुड़े, और उससे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि लोग सवाल ही पूछ रहे यार। ओ गाइस अभी हम लोग धारी देवी के पुल में जा रहे हैं, देखिए और अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, और जब अलाउड नहीं तो हम लेंगे भी नहीं। अभी फिलहाल मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा के आएंगे, मन्नत मांग के आएंगे हमारे दोस्त अनु के लिए। क्या मन्नत मांगे? तेरे लिए तो भाई मन्नत ही मन्नत है, बता दे यार। गाइस जी यहाँ पीछे मंदिर आ, जहाँ पे कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, और ये परिक्रमा करने वाला रास्ता है, और इसके ठीक जहाँ पे भी हम खड़े हैं इसके नीचे देखिए आप कितना ज़्यादा पानी का बहाव है, ये देख रहे हो आप। गाइस अभी हम लोग मंदिर में विजिट कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, अगर आप लोग यहाँ से कहीं गुजर रहे हो, अगर आपके पास टाइम है टाइम निकालिए और जरूर आइएगा। कैसा लगा? अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। ये भाई हरियाणा से आया है, हरियाणा से आया है, ये हरियाणा से आया है, और इससे भी मंदिर बहुत अच्छा लगा। अच्छा इन्वायरमेंट है ना, बहुत कितना पीसफुल जगह है ना। गाइस जी देखिए मंदिर में आने का रास्ता और जाने का रास्ता भी देखिए, बाहर नदी। ये बंदर जिंदा है मरा हुआ है भाई? घूम चुके हैं, और ये मंदिर के ठीक बगल में झूला पुल, इसमें भी घूम चुके हैं, तो हम सीधे यहाँ से निकलेंगे हैं भाई, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रुक रहे हैं यार, कसम से कुछ ज्यादा रुक रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ घर जाने के पर्पज से आते तब तक हम घर पहुँच चुके होते, और अभी हम 100 किलोमीटर करीब पीछे है, मात्र 200 मीटर तक मंदिर। अरे देखिए भाई क्या हो गया, दिखाइए अपनी शक्ल, दिखाना सांस फूल गई ना? नहीं क्या हुआ? यार ये भी खतरनाक चीज़ है भाई कि अपने इस तरह इमोशन को छिपाना। इसकी हालत देखो, इसकी तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये ठीक है, लेकिन इसकी हो गई क्या हुआ? ब्रो आई एम फाइन। ये देख रहने दे भाई, मर जाएगा। और गाइस अब हम लोग बिल्कुल रुद्रप्रयाग मार्केट में एंटर हो चुके हैं, शुरू हो गया। हम लोग यहाँ पे पेट्रोल करेंगे फुल, ताकि हम 3 दिनों तक जर्नी कर सकें। हम लोग रुद्रप्रयाग में एंटर करने वाले हैं, रुद्रप्रयाग सिटी के अंदर, और रुद्रप्रयाग ठीक पहले पेट्रोल पंप पड़ता है जो कि अच्छा तेल डालता है, ये कहते हैं यहाँ के लोग। तो हमने यहाँ पे टंकी फुल करवा दी, हम लोगों ने पहले रुड़की में टंकी फुल करवाई थी, और उसके बाद रुड़की से यहाँ तक हमारा 1100 रुपये के आसपास तेल लगा, और अब इसलिए हमने यहाँ पे फुल करी क्योंकि आगे जो मार्केट है जो पेट्रोल पंप है उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा रहती है, तो अब हमने यहाँ पे फुल कर दी। इसमें हम वहाँ घूम भी लेंगे, वापस चले जाएंगे तो तेल में शायद। गाइस यहाँ से देखिए केदारनाथ के लिए नीचे, केदारनाथ के लिए ये सीधे गया था बद्रीनाथ और माणा, और ये अभी हम लोग नीचे आ गए अपने गांव के लिए। यही रोड केदारनाथ जाता है, थोड़ा आगे जाके 10 किलोमीटर आगे जाके तिलवाड़ा आ जाएगा, फिर वहाँ से केदारनाथ अलग हो जाएगा, और फिर हमारा देख तिलवाड़ा 9 किलोमीटर है। इतना ही टाइम तेरे गाँव जाने में लगा, इतने केदारनाथ बता कहाँ चलना, आज गांव ही चलते हैं। ये अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे
और ये तिलवाड़ा से 5 किलोमीटर पीछे रुके हैं लंच करने के लिए। यहाँ पे एक पवार रेस्टोरेंट मिला हमें, जो कि हमारे जाति भाई निकले और हमने पूछा इनसे लंच है तो यहाँ पे लंच अवेलेबल है। चलिए लंच करते हैं। अभी लोग रेस्टोरेंट के टेरिस पे जा रहे हैं। ये नीचे का व्यू देखिए आप, तब जबरदस्त है। पीछे देखिए नदी, अभी भी खाई में जाके और ऊपर पहाड़ है, इधर हाईवे, शानदार हाईवे, मतलब एकदम परफेक्ट लोकेशन है यहाँ पे लंच करने के लिए। ये टेरिस का कुछ सीन है गाइस, ये पीछे हाईवे है। कैसा लग रहा है टेरिस पे? बढ़िया लग रहा है। दोपहर कैसा लग रहा है? मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, हवेली। भाई यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं भाई, देख अनु इधर आ। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? लोकेशन देख कैसी है गाइस। अभी हम लोग तिलवाड़ा में लंच कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग लंच करके निकल चुके हैं तिलवाड़ा से घर के लिए। और अभी तक हरिद्वार से तिलवाड़ा तक, अब यहाँ से मेरे घर मात्र 40 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ तक अभी 200 के आसपास हम आ चुके हैं। तो यहाँ तक सौरभ भाई आज पहली बार पहाड़ों पे गाड़ी लाया और इतनी बेहतरीन ड्राइविंग की ना भैया ने, भाई 10 में से 15 नंबर भाई, फुल ऑफ फुल। केदारनाथ का हाईवे गया जहाँ पे वो गाड़ी जा रही है मैक्स, और ये हम गए अब अपने गांव के लिए राइड लेके। ये गया भाई केदारनाथ का। अब गाइस हमने केदारनाथ वाला रोड छोड़ दिया है और अब हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो भाई देख सोरा भाई, ये गया केदारनाथ का। जब हम पहली बार केदारनाथ आएंगे ना, भगवान भोलेनाथ चार दो फिर वहाँ से सीधा जाएंगे। नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। गाइस अभी हम लोग मयानी मार्केट में पहुंच चुके हैं और हमारे गांव से जो सबसे पास थोड़ा बड़ा मार्केट है वो यही है, जो कि 25-30 किलोमीटर के आसपास दूर है। और जब भी कोई गांव से कुछ प्रोग्राम वगैरह, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो सभी लोग यहीं आते हैं। ये मयानी, और ये यहां से गाइस ये रोड गया ना लेफ्ट साइड, ये गया है टीली डैम के लिए। परसों में से रास्ते जाएंगे, ये टीली घंटानी के लिए रोड गया चंबा वगैरह के लिए। गाइज अभी हम लोग घर से 10-12 किलोमीटर पीछे होंगे और यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि हमें भाई ये वाटरफॉल वगैरह देखने हैं, यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी हम लोग वाटरफॉल से तकरीबन 5-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये देखिए नीचे मंदिर है। कैमरामैन प्लीज, वो मंदिर है यहाँ पे, मंदिर है। मैं इन दोनों के लिए सिर्फ दिखा, तो ये 11 न्यारे फोड़े, इन दोनों के लिए अच्छी बुद्धि की कामना करते हुए नारियल चढ़ा रहा हूँ, तो आप इन्हें सदबुद्धि जरूर जीत दीजिएगा। देखिए पोपट लाल पे, अबे जल्दी कल सुबह पनवेल निकल, नारियल नहीं फूट रहा। ये देखिए है प्रसाद, इसके अंदर कहते हैं अगर सड़ावा निकले तो मन्नत पूरी होती है, तो जिंदा निकल गया। म्यूजिक गाइस ये ले गए, यहाँ पे जलेबी खा रहे, सामने है गांव और यहाँ पे जलेबी। पूरा कोहरा और बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, मात्र 5 किलोमीटर और है। भाई जहाँ से हम आ रहे हैं ना उस हिसाब से मात्र ही हुआ ये। तो गाइस पूरे भाई कितना घंटे? 13.5 तो 13.5 घंटे की जर्नी के बाद देखिए फाइनल हमारी पूरी बच्चा पार्टी है। देखिए ये सब लोग हमारे स्वागत में आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी और ये हमारे गांव की रोड जाती है जो कि बरसात में पूरी ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर इस पूरे धुंध में हम लोग पैदल चलेंगे। ये देखिए इस प्रकार की रोड यहाँ पे हो जाती है बरसात में, और ये देखिए सामने उस साइड हमारा गांव है। फोटो हो जाए सबकी। हाँ एक फोटो है, फोटो हो जाए। पूरे 13.5 घंटे लग गया ना, सुबह 4:30 बजे के आसपास चले थे और अभी 5:30 के आसपास हो चुके हैं। देखिए रोबिन सिंह, ओए भाई क्या लाया भाई, कैसा है भाई तू? बारिश हो चुकी है, नीचे जा रहे हम लोग।
अभी हम लोगों ने पीछे गाड़ी पार कर दी है और अब देखिए पीछे ये वाला रास्ता हमारे गांव को जाता है। ये हमारे गांव की सड़क है बेसिकली, लेकिन आजकल बरसात में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है रोहिन भाई क्यों। तो अब हम लोग पैदल जा रहे हैं, देखिए बरसात भी हो रही है पूरा धुंध धुंध। ये हमारा ना सबसे पहला घर था ये वाला। गाइस लगभग 15 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग घर पहुंचे हैं।